चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ क्रिसमस हॉल फ्रॉम purple.com। सो purple.com पे इस टाइम पे चल रही है अमेजिंग क्रिसमस सेल, जहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 50% तक ऑफ ऑन सच गुड ब्रांड्स लाइक मेबलिन, लैक्मे, शुगर, कलर बार, फेसेस, लॉरियल एंड विपेरा, मोडा, स्टे करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक काफी सारे ब्रांड्स पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है इस टाइम पे purple.com पे, क्योंकि क्रिसमस आज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो क्रिसमस सेल स्टार्ट हो चुकी है। सो ये बेस्ट टाइम है अगर आप कुछ लेना चाहते हो, सो आप purple.com से शॉप कर सकते हो। सो काफी सारा मेकअप प्रोडक्ट मैंने भी लिया है purple.com से, जो कि मुझे भी यू नो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला है, अमेजिंग डिस्काउंट प्राइस पे मिला है, सो जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं और मुझे कितने डिस्काउंटेड प्राइस में मिले हैं। तो उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर के बटन को प्रेस करके उसके बगल में स्मॉल बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहे। वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली आपको करना है इसे लाइक लाइक एंड लाइक, और आपको करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने purple.com से ली है 4 लिपस्टिक। जो सबसे पहले लिपस्टिक मैंने ली है वो है ये शुगर की, इट्स द शुगर मैट एज हेल लिप क्रियॉन। इसका ऑलरेडी मेरे पास एक शेड है विच इज 11 एलीवुड, जो कि मेरे फैब बैग में आया था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन न्यूड कलर है, जो कि मेरा फेवरेट कलर भी है। सो उसका जो टेक्सचर स्मूथ है वो इतना बटरी सॉफ्ट है, वो आपको मैट फिनिश देती है, बहुत ही कंफर्टेबल लिपस्टिक है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे और शेड ट्राई करने चाहिए, और इस रेंज में काफी सारे शेड्स भी हैं। तो मैंने जो सबसे पहला शेड लिया है वो है ये 01 स्कारलेट ओहारा। इसके बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा सुना है, लाइक इट्स ब्यूटीफुल रेड कलर। सो मैंने ये रेड कलर लिया है, लेट मी शो यू। सो ये है इसका स्वॉच, और ये इतना बटरी सॉफ्ट है, आपको फुल पिगमेंटेशन मिलती है एक बार में। सो मैंने ये वाला शेड लिया है, ये सिर्फ क्रियॉन फॉर्म में आता है, इसके साथ एक यू नो सेपरेट शार्पनर भी ये लोग देते हैं, सो आपको कोई एक्स्ट्रा शार्पनर लेने की जरूरत नहीं है। सो कंप्लीट कॉम्बो मिल रहा है आपको। सो नेक्स्ट जो शेड मैंने लिया है, इसमें मैंने टोटल 2 शेड लिए हैं। जो सेकंड शेड है वो ये 02 मैरी पॉपिंस, और इसमें काफी सारे शेड्स हैं, लाइक अप्रॉक्स 10-15 शेड्स हैं, तो आप अपने हिसाब से शेड चूज कर सकते हो। सो ये मेरा 02 मैरी पॉपिंस, इसके बारे में मैंने काफी सुना है, ये बहुत पॉपुलर शेड भी है इस रेंज का। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर है विद यू नो पर्पल ब्लू टोन पिंक कलर है, यू गाइस कैन सी इट्स ब्यूटिफुल। आप अगर फेयर टू मीडियम स्किन टोन हो सो ये दोनों शेड आपके ऊपर कमाल के लगेंगे, और इनका प्राइस है 799 रुपीज, और बहुत रेयर आपको यू नो शुगर पे ऑफ मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, बट आपको purple.com पे इस पे मिल रहा है 10% ऑफ। तो ये मुझे पड़ी है 719 रुपीज की। ओके, सो ये 2 लिपस्टिक्स मैंने ली है। उसके बाद मैंने लिया है मेबलिन की तरफ से, ये मेबलिन का न्यू लॉन्च है एक्चुअली में। सो ये मेबलिन की कलर जॉल्ट मैट इंटेंस लिप कलर है। इसकी जो लिप पेंट है, सॉरी, इसका जो यू नो पैकेजिंग है, इट्स लाइक ब्यूटीफुल, सो क्यूट पैकेजिंग वाला है। इसमें भी आपको अप्रोक्स काफी सारे शेड्स मिल जाते हैं, और इसका प्राइस है 450 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 450 रुपीज। और इसकी जो टिप है, इट्स लाइक स्पॉन्ज टिप, एप्लीकेटर नहीं होता उस तरीके की है, और इस टाइम पे मैंने ये लिप शेड अपने लिप्स पे लगाया हुआ है। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत इजिली आप अप्लाई कर सकते हो, इट्स लाइक बटरी सॉफ्ट, और ये प्रॉपर मैट नहीं है, लाइक इट्स वेरी सेमी मैट फिनिश ही आपको देता है, और काफी टाइम लेता है ड्राई होने में, बट इट्स ओके, इट्स वेरी कंफर्टेबल लिपस्टिक्स। और इसमें मैंने सिंगल शेड लिया है, इसमें आपको टोटल 5 ml की क्वांटिटी मिल रही है। इसका प्राइस 450 रुपीज है, बट स्टिल आपको यू नो 25% तक मेबलिन पे ऑफ मिल रहा है purple.com पे। तो ये मुझे पड़ी थी 330 रुपीज की, स्टील बाय ये वाला शेड लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट लिपस्टिक जो मैंने ली है फ्रॉम लॉरियल पैरिस, इट्स अ लॉरियल पैरिस मॉइस्ट मैट लिपस्टिक रेंज है ये, और ये इसका जो शेड है वो है बहुत ही ब्यूटीफुल शेड, इट्स अ रेसबेरी सिरप R517। एक्चुअली में रेसबेरी सिरप इसका शेड नेम है। सो इट्स ब्यूटीफुल पिंक कलर, यू गाइस कैन सी ब्यूटीफुल पिंक कलर, और इसका जो प्राइस है आई थिंक 900 रुपीज, बट अगेन आपको यू नो 20-25% ऑफ मिला है लॉरियल पे। सो ये आपको आराम से इजिली 700 तक मिल जाएगी, मुझे भी कुछ ऐसी पड़ी थी। आपको स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका यू नो प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस दोनों दिख जाएगा। सो मैं इसका भी आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, ब्यूटिफुल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, सेमी मैट फिनिशेस की, आई लव द शेड सो मच। ओके, सो मैंने टोटल 4 लिपस्टिक्स लिए हैं purple.com से। नेक्स्ट मैंने आई मेकअप के लिए कुछ लिया है। सो सबसे पहले मैंने लिया है विपेरा का मस्कारा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने विपेरा का एक मस्कारा जो है आई थिंक स्पाइडर वॉल्यूमिनेटर मस्कारा, उसके बारे में मैंने आपसे कितनी तारीफ कर लू उतनी कम है, लाइक वो मेरा करंट फेवरेट मस्कारा है, दैट इज अमेजिंग गाइस। अगर आपने कोई मस्कारा ट्राई नहीं किया और आप करना चाहते हो
तो आपको वो जरूर ट्राई करना चाहिए, विपैरा स्पाइडर वॉल्यूमिनेटर जिसकी ग्रीन पैकेजिंग है। सो आई थॉट कि नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए विपैरा का मस्कारा। सो इसकी पैकेजिंग भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ब्लैक पिंक कलर की इसकी पैकेजिंग है और इट्स अ लिटिल कॉस्टली मस्कारा। इट्स अप्रॉक्स 700 रुपीज का ये मस्कारा है, बट अगेन आपको यू नो विपैरा पे अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाता है। सो या ये भी आपको अराउंड 500 और 550 रुपीज का पड़ जाएगा। सो इसको मैंने ट्राई किया, आज मैंने लगाया भी हुआ इसे लाइक इस लुक में। सो इसकी जो वॉन्ट है कुछ इस तरीके से है, ये आपके लैशेस को अगेन क्लम्पी नहीं बनाता, वॉल्यूमिनाइज करता है, लेंथ देता है। सो अगेन मुझे विपैरा के मस्कारे ने डिसअपॉइंट नहीं किया है, बहुत इंप्रेस किया है। सो या ये मेरा नेक्स्ट है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये मोडा का लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड आईलाइनर। इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा क्यूट है बट ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो ड्राई रिसीव हुआ है, यू गाइज कैन सी इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है। इसकी टिप तो बहुत ज्यादा पतली है, बहुत स्लिम है, तो आप इसे बहुत प्रिसाइज विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। इवन मैंने विंग लाइनर ड्रॉ करने की कोशिश की है बट इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा अनइवन है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ड्राई प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। इसका प्राइस है 450 रुपीज और मैं इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई, बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का जेल आई लाइनर। इसकी आपको मतलब इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक सब इसके बारे में जानते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड जेल आईलाइनर। इसका प्राइस है 525 रुपीज और ये भी मुझे डिस्काउंटेड प्राइस से मिला, आई थिंक 450 और 400 रुपीज का। मैंने इसे ऑलरेडी यू नो 2 साल पहले ट्राई किया हुआ है, इट्स सो गुड और ये काफी ब्लैक यू नो प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग जेल आईलाइनर है। सो मैंने नेक्स्ट ये लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है विपैरा का आई पेंसिल। इट्स आई या पेन यू नो पेंसिल आईलाइनर और मेरा शेड है 260 सीपिया। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउन कलर और ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, यू कैन सी बहुत क्रीमी है, बहुत पिगमेंटेड है। आप इसे यू नो अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका प्राइस है 350 रुपीज बट मुझे अप्रोक्सी 249 और 260 समथिंग कुछ का पड़ा है। सो आपको सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल, प्राइस, शेड नंबर नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर चेक कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट मैंने लिए हैं अगेन विपैरा की तरफ से। ये विपैरा का यू नो सिंगल क्रीम आई शेडो है और आप कह सकते हो आई शेडो बेस है। सो मैंने इसमें शेड लिया है वनीला। इसकी पैकेजिंग मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है। ओके सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, इस तरीके का इसका पॉट है और आपको यहाँ पे एप्लीकेटर भी मिल रहा है जैसे कि जेल आईलाइनर्स में मिलता है, उस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। ये आई शेडो बेस है और ये काफी पिगमेंटेड है गाइस, सी इट्स वेरी पिगमेंटेड। सो आप इसे एज अ आई बेस, इवन आप इसे एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो और आई थिंक इसका प्राइस है, ओके इसका प्राइस है 375 रुपीज, क्वाइट अफोर्डेबल फॉर आई बेस, बट आपको इजिली मिल जाएगा 270 रुपीज से लेके 250 रुपीज का इजिली मिल जाएगा। सो ये आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर आप कोई आई बेस ट्राई करना चाहते हो तो आप ये विपैरा का ट्राई कर सकते हो। मैंने लिया है ये फेसेस कैनेडा ग्लैमॉन परफेक्ट ब्लश। इट्स ब्यूटीफुल कोरल पिंक कलर और मेरा शेड है 01 कोरल पिंक और इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए आप यहाँ से अपना शेड देख सकते हो। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और ये जो शेड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल कलर है, परफेक्ट कोरल कह सकते हो। लाइक मुझे कोरल कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत इजिली यू नो आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, बहुत पिगमेंटेड है। इसके अंदर गोल्डन कलर की शीन है जो कि बहुत ज्यादा ओवरपावर नहीं है, बहुत ग्लिटरी नहीं है, बट या आपको एक शीन दिखाई देगी बहुत ही ब्यूटीफुल। इवन मैंने अपने चिक्स पे से अप्लाई किया हुआ है, इट्स लुक सो स्टनिंग। अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन हो आपके ऊपर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसका प्राइस है 559 रुपीज बट अगेन आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, समथिंग मुझे ये पड़ा है 380 और 400 के अप्रॉक्स। या ये मैंने नेक्स्ट लिया जो कि मुझे काफी पसंद आया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये लैक्मे एब्सोल्यूट की तरफ से कंसीलर। इट्स अ व्हाइट इंटेंस कंसीलर स्टिक एसपीएफ 20 और इसमें मेरा शेड है 01 फेयर। सो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, स्टिक कंसीलर है ये और ये काफी ज्यादा यू नो पिगमेंटेड तो है ही है, काफी सॉफ्ट भी है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इसका प्राइस है 600 रुपीज एंड आई थिंक मुझे इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, बट स्टिल मुझे लेना है क्योंकि मुझे वन ब्रांड ट्यूटोरियल के लिए ना प्रोडक्ट्स चाहिए। मेरे पास कंसीलर नहीं था लैक्मे का, सो मैंने सोचा कि कंसीलर ले लेते हैं। ठीक है तो मैंने नेक्स्ट ये लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये गुड वाइब्स की तरफ से। इट्स अ गुड वाइब्स जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू और इसमें इसका जो प्राइस है 225 रुपीज और मुझे 200 की क्वांटिटी मिल रही है विच इज ग्रेट क्वांटिटी 200 रुपए में। और विंटर्स के टाइम पे यू नो मेरा स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो मुझे बहुत इजीली डैंड्रफ हो जाते हैं,
जो कि अभी मुझे हो रखा है. सो मैंने सोचा कि मुझे कुछ यू नो नेचुरल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें ट्राई की है बट स्टिल यू नो डैंड्रफ उतना ढीठ है कि जाता ही नहीं है. सो मैंने ये लिया है यू नो डैंड्रफ ट्राई करने के लिए. मैंने इसे एक बार यूज किया है और ये नेचुरल होने के बाद भी यू नो इसने मेरे बालों को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं किया, क्योंकि मोस्टली जो नेचुरल शैम्पूज होते हैं वो बहुत जल्दी आपके बालों को बहुत ड्राई करते हैं, बट इसने मुझे बिल्कुल भी मेरे बालों को ड्राई नहीं किया. सो या मुझे ये चीज इसकी अच्छी लगी. लेट्स सी कि ये कितना अच्छा वर्क करता है डैंड्रफ को हटाने के लिए. सो मैंने नेक्स्ट ये लिया और आई थिंक मुझे ये बड़ा है 180 और 170 रुपीज का, जो कि इसका प्राइस से कम है. इसका प्राइस है 225 रुपीज. मुझे इस पर भी डिस्काउंट मिला है. नेक्स्ट मैंने लिए है ब्रश. मेरे को चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को ब्रशेस नहीं है, बट स्टिल आई लव ब्रशेस. सो मैंने लिया है ये कलर बार का एम्फेसाइज आई ब्लेंडिंग ब्रश. सो मैंने इसे ट्राई किया क्योंकि मैंने अभी आई मेकअप में ना ब्लश को मैंने अपने आई क्रीज पे भी लगाया है. मैंने ये ब्रश यूज किया है. ब्यूटिफुल गाइज, आप देख सकते हो आई थिंक यू नो प्रोडक्ट से हो रहा होगा. सो बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत सॉफ्ट है, आई शेडो को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकता है. क्रीज लाइन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा ब्रश है. इसका प्राइस है 250 रुपीज और बट ये आपको 180 तक में मिल जाएगा. आई थिंक मुझे 180 रुपीज का पड़ा है या समथिंग कुछ ऐसे ही पड़ा है. बहुत ही अच्छा ब्रश है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट अगेन मैंने कलर बार का ब्रश लिया है. इट्स अ कलर बार आई ल्यूरिंग आई शेडो ब्रश. इट्स अ फ्लैट ब्रश, आई शेडो फ्लैट ब्रश. ओके मैं दिखाती हूँ आपको. सो कुछ इस तरीके से ये फ्लैट स्मॉल ब्रश है, तो आप इजिली अपने आई शेडो को या बेस को अच्छे से यू नो प्लेस कर सकते हो अपनी आई लिड पे, इनर कॉर्नर्स पे, ब्रॉ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मॉल है. सो मैंने लिया अगेन, ये मुझे यू नो 180 तक का पड़ा है. इसका प्राइस है 250 रुपीज. सो मैंने ये दो ब्रश लिए हैं, आई शेडो ब्रशेज हैं. नेक्स्ट मैंने अगेन एक ब्रश लिया है और ये है ऑड्रेज समथिंग कुछ ऐसे करके ब्रांड का, और ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज का. और इट्स अ लिप ब्रश बट मैंने इसे लिया है यू नो जेल आईलाइनर अप्लाई करने के लिए. ये बहुत ही परफेक्ट है, बहुत इनी मिनी है, इवन आप ना इसका टिप भी नहीं देख पाओगे. सो ये परफेक्ट है अगर आप यू नो बहुत पतला विंग लाइनर ड्रॉ करना चाहते हो या फिर कोई आप यू नो आई आर्ट करना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट है. और ब्यूटिफुल ब्रश. सो मैंने ये लिया 80 रुपीज का. नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है अगेन कलर बार का. सो इट्स अ कलर बार का द स्टे द फिनिशिंग मिस्ट. सो ये एक यू नो मेकअप सेटिंग स्प्रे है. तो मैंने कलर बार का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और इसका प्राइस है 850 रुपीज. अगेन मुझे डिस्काउंटेड प्राइस से मिला. सो फॉर मी इट्स अ स्टील बाय और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है. आई थिंक मुझे 100 ml की क्वांटिटी मिल रही है विच इज ग्रेट. मोस्टली आपको यू नो मेकअप सेटिंग स्प्रे पे 50-60 ml की क्वांटिटी मिलती है. बट या और लेट्स सी कि कितना अच्छा वर्क करता है. तो डेफिनेटली मैं इसे किसी ट्यूटोरियल में ट्राई करूंगी कि कैसा वर्क करता है. सो गाइज ये था मेरा क्रिसमस हॉल फ्रॉम purple.com. आई होप आपको ये हॉल पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. और इनमें से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो. और अगर आपको ये हॉल पसंद आया हो तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को बड़ा सा लाइक, और आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. नहीं आपको करना है इस हॉल वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ. और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे कि मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ. उसका लिंक आपको अगेन ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय व्लॉग चैनल विच इज शाह स्टाइल व्लॉग. उसका लिंक भी आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.